कैमरामैन सर रेडी, राम रेडी, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। गवाही ना दें, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने, अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। सरकार और आम आदमी अदालत के इस फैसले से खुश है। बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। इसकी हार्टबीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है, टीवी पर अपने पापा की न्यूज सुनकर ये हुआ है। फिर से टीवी ऑन मत करना। कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है, पर तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया है यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे, बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफ लाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है। ये बात भूलना मत। कोई गुनाही नहीं किया तो कबूल क्यों किया? आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई है सर। इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, साइन कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा, मेरे प्राण मेरे बच्चे में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहां से। से मजबूर होकर भले ही आप हार मानने सर, न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है, आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगे और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है।
राज्य फूलों से सजाया हुआ है और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है, और उसकी वजह है हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौड़ की बेटी प्रिया की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियाँ और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। नमस्ते राव जी। सीएम साहब अंदर ही है। हमारी स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। 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 कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे? वो रहे सामने। राजनीतिक पहचान के धरोहर ही है, हमारी बुनियाद है। ये नहीं होते तो मैं सीएम नहीं बन पाता। नमस्ते। नमस्ते। वैसे दूल्हा का है? वोड़ा ना। पूरे स्टेट को मैं संभालता हूँ और मेरे पार्टी को वो संभालता है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पहले वो आपका गार्ड था और अब बेटी का। बहुत खूब सीएम साहब। मैडम, ये पड़ोसी राज्य के सीएम के बेटे हैं। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। कोई बात। अंकल प्रिया कहाँ है? मैं बस उसे हाय बोल के आया। सर अपोजिशन पार्टी को जरा देख लीजिएगा, काम चीज इतना मुश्किल होगा मेरे लिए। अब सीएम पहले बार बधू को आशीर्वाद दो। मेरे रास्ते के रोड़े मनोज यादव को मरवाकर जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना। जी सर। भैया जल्दी बोल, आपकी बेटी को पकाकर ले गया। कौन ले गया? सीएम रंजीत का बेटा। उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा दाऊजी। हो कैसे? आप हो ना। मैं क्या कर सकता हूं? शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे अपने हमें क्षमा कर दें। ये शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय मेरे ताऊजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। बेहद दुख है। आप सबसे फिर मिलेंगे। Thank you.
साइड क्लियर करवाया अपन ने। चल आप जल्दी से पैसा ढीला कर। पटेल भाई, मैं अपनी साइड बेचने ही वाला हूँ। जैसे ही डील हो जाएगी मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। तुझसे काम करवाता तो रोकड़ा देता मैं, तेरा काम मैं फुकट में कर दूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? मुझसे पंगा कौन लेगा? सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये हटेला हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है, उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी में आपको जिस जिस विरोधी से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटाया। जिस जिस लैंड को आपने मार्क किया वो सब इसी के बदौलत आज आपको मिले हैं। तुमने जो कुछ कहा वो सही है डीजी भी, जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें, माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया पर उसे सर पे बैठ के नाचने भी तो नहीं दे सकते ना। मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पे नहीं बैठता। अरे संजय, इस टाइम इज अप। किस कुत्ते को कैसे इस्तेमाल करना है अपने को अच्छे से पता है। जिंदा था तो पार्टी के काम आया और अब मरने के बाद मेरे भाई की इमेज बनाने के लिए काम आएगा, इसके अर्थी समझाओ रे। चीजू, सीएम राठौर का फोन है। हाँ राठौर, आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। सब काम अच्छे से हो गया ना? कैसे अच्छे से होगा? दोस्ती के नाम पे आस्तीन का सांप निकला। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा रंजित राणे। हजारों मेहमानों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आन बचाने के लिए अपने ही हाथों से दाऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर, तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा आजा। मेरे घर की दहलीज तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। तेरे और तेरी बेटी के बीच में मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मैं खुद खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो हाँ, मुझे हाथ लगा के दिखा। सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर छोटे बड़े बिजनेस में हम पार्टनर्स हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बात ये है कि इनकी गलती नहीं है, इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है, जब बात बच्चों की होती है ना तो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूँ। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर, सर शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर भी, क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएगा, मुझ पर छोड़ दीजिए। सर आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा, हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लड़ना होता तो मैं अपने ताऊ की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रगरग से वाकिफ है और मैं उसकी रगरग से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए, जैकब को बुलाओ। Thank you.
बच्चे खेलते हैं, असली चीज दिखा। सुलेमा घोड़ा लेकर आओ। मेड इन मैक्सिको मक्खन है साला। किलोमीटर तक की रेंज है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी तो गोली उसे भी चीर कर निकल जाएगी। आप उनके पास एक ही चांस होगा। ये सही है। सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मोमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोलापुर में उत्सव है, सीएम वहां का चीफ गेस्ट है। शुरू हो भैंसी को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना, वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा। पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा। उसी टाइम सीएम को ठोक दूंगा। डैडी, आप तो स्टेट के सीएम हैं, पर मुझे क्यों लेकर आए? तुम मेरे बेटे हो ये तो सारी दुनिया जानती है, पर इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो ये सबको बताना होगा।
भैया हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तू भीम है, 100 हाथियों के बल वाला भीम। असली विलन वो होता है जो पैसे को हराता नहीं, उसे काबू में करता है। सोचेंगे, जिसे गोली लगी उसके बारे में सोचो। क्यों? वहां भैंसे ने जो उत्पात मचाया, सबका ध्यान उधर ही था, लेकिन अब क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूं, उनके नेटवर्क को अच्छे से जानता हूं, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। सबसे अच्छे मित्र है, हवा को महसूस करो, पानी को महसूस करो, मिट्टी को महसूस करो, प्रकृति को महसूस करो, प्रकाश को महसूस करो, सूर्य की किरणों को खुद तक पहुंचने दो, उन्हें रोको मत। मैडम, मैडम, यहां योगा क्यों कर रही है? बाहर इतनी धूप है, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है, अंदर चले जाइए। इसे क्या हुआ? डैडी! क्या हो गया? मम्मी, मुझे डैडी से बात करनी। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज। हाँ पर तो क्या हो गया? आप चुप। अरे पीछे। डैडी। क्या हुआ बेटा? डैडी, धूप से बचने के लिए भी आप मुझे सिक्योरिटी देंगे? आप फॉरेन से आने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन तो रखी थी मैंने, आपके ये प्रोटोकॉल्स डिस्टर्ब करते हैं मुझे। डैडी, मुझे सीएम की बेटी की तरह नहीं जीना। I want to live my life like any normal student. और इसीलिए अब तक मैंने ये बात अपने दोस्तों से छुपा कर रखी है। And I'm very happy, Daddy. Please cut the security around me. As you say. Okay. Thank you. Thank you, Dad. Happy now? हाँ, DGP, इन बच्चों को कुछ नहीं पता। अपनी सिक्योरिटी टाइट रखो, बस इन्हें भड़क ना लगे।
कुछ कह रहे थे? सर, परसों रात को एक गैंग मुंबई में आए थे और उसी रात धारावी में हथियारों की डील हुई। उसी गैंग का कोल्हापुर के उत्सव में आप पर अटैक का प्लान था। हमें पूरा डाउट है, वहां एक गोली भी चली। यहाँ जो गैंग आई और राठौड़ के बीच कोई कनेक्शन है, हमें उसका पूरा अंदेशा है। सिचुएशन के नॉर्मल होने तक आप जरा संभल कर रहिएगा सर। ए डीजीपी, मेरे भाई ने उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने का चैलेंज दिया और तू नहीं समझा रहा है। वो जानता नहीं है उसका किससे पाला पड़ा है। ढूंढ के निकालो उसे। जिस दिन वो इधर आया ना, उसके टुकड़े करके रिटर्न गिफ्ट में उसे वापस भेज दूंगा। तुम पहले उन सब पे नजर रखो, ठीक है? ओके सर। उस दिन वो लड़का कौन था, अगले पैसे को रोकने वाला? कॉलेज स्टूडेंट सर। ए संजय, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए ऐसे लोगों का आसपास होना जरूरी है, समझ रहा है ना? कौन सा कॉलेज? वाह, आजकल जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी चुनते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस चुना है, ये तो खुशी की बात है। आई रियली अप्रिशिएट। और आज हम इस सब्जेक्ट की करियर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और इवन पॉलिटिशियन। अब आप सब क्या बनना चाहेंगे, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। वेयर डू वी स्टार्ट? हाँ, तुम। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहोगे? पैथोलॉजिस्ट सर। पैथोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, एनालिस्ट मतलब राजनैतिक विश्लेषक। जरा बोल के बताओ। राजनैतिक विषाणु। क्या कहा? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड? समझाता हूँ ना। एक एनालिस्ट क्या करता है, एक राज्य ढूंढता है जो बहते झरने जैसा साफ हो, फिर कीचड़ के साथ उसमें कूद जाता है। कीचड़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा, पूरे स्टेज की इमेज की लगाएगा वाट, जान पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा, तब एक भले आदमी को बदनाम कर डालेगा, राक्षसों को हीरो बनाएगा और फिर इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उनके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो पैसों से नहाएगा। और समाज का क्या होगा? कौन सा समाज सर, उनके लिए तो मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। मुफ्तखोरी? ये सब करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर। बिजली पानी राशन टैक्स में, बाकी चीजों पर डबल टैक्स। जब तक लॉलीपॉप मिलेगा, बच्चा हो या बूढ़ा, सब चुप रहेंगे, मम्मी कसम। ये किसी एनालिस्ट की सोच तो नहीं हो सकती, पर टेररिस्ट की हो सकती है। यही तो धंधा है सर, जो दिखता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाए और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे। और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। यही मेरा सपना है और मैं जिंदगी भर यही करना चाहूंगी। कितने ऊंचे विचार है। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। क्या कहा? सीधा छक्का, सीएम। हाँ क्यों ना। रीजन? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर, रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो पूरे स्टेट में पोस्टर लगेंगे, मेरे बर्थडे का केक बटेगा, लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ। कैसे बनोगे सीएम? हरी पत्ती, फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा, थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। ये सब करके सीएम बन जाओगे? अपना सीएम ऐसे ही तो बना ना। बेटा ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं? इतने सारे स्टूडेंट्स देखकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पतन हो रहा है। इन्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं करप्ट ना हो जाऊं। ए सीएम,
क्या कड़क लॉजिक दिया है, आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ, ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ मेरे पेट में क्यों लग रहा और क्या? उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने पे एकदम लट्टू है, धक 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 कर रहा मेरे लिए उस बेचारे का दिल। या मैंने हाँ की और सीएम मेरा ससुर है। क्या कहा? वो हाँ कहेगी और तुम दामाद बन जाओगे। ए, तेरी क्यों चल रही है? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं तुम पे। अच्छा, खुद को हॉट समझती है? जस्ट एवरेज। एवरेज और क्या, सीएम की बेटी को देखेगी ना चल के राख हो जाएगी। तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली का मैं ब्रो, मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है वैसे ही चिपकती है, जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, करती है सांस अटक जाती है। तेरा तो हद भी एवरेज ही होगा, वो अभी तक क्यों मैं तो तुझे फॉर्म कहाँ से दे? तो शादी कर लो उससे। खूबसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार राहुल, अब तू ही बता, किसी अप्सरा से शादी करके उसे गांव ले गए तो लोग क्या कहेंगे? इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से शादी कर ली तो लड़की से ही कहेंगे क्या हैंडसम लड़का ढूंढा है। 24/7 मुझे अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा, सही है ना? वाह 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 वाह, तगड़ा तोड़ लॉजिक दिया है। सुंदरता शेयर मार्केट जैसी है, कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है, और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल एस्टेट जैसी रोज रोज बढ़ती है घटती नहीं है। क्या दिमाग पाया है सीए? वाह 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 वाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं तुझे कल देख लूंगी। क्यों यार राहुल? हाँ जी, इसकी तो लचक भी एवरेज ही है। 100%। अद्भुत तत्वों से बना हुआ है। सीएम का होने वाला दामाद। पर ये तत्व बहुत डिस्टर्बिंग है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाए। मधुमक्खी और फूल पता वैसे ही चिपकती है। कुछ भी बोलता है। जस्ट एवरेज 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 मैडम एवरेज एवरेज मैडम, इसे प्राणायाम कहते हैं ना मैडम? एक बार में कितनी बार सांस अंदर बाहर लेती हैं, एवरेज क्या है? एवरेज की तो मैं, अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं एवरेज लिखती हूँ क्या? मैं तुम्हें एवरेज लिखती हूँ? ये तुमसे किसने कहा? सीएम का दामाद। वो कौन है? सीएम की बेटी, उस पर लट्टू हो गई है, उससे फ्लर्ट करती है, और तो और उसे देखकर अपने कपड़े फाड़ लेती है, और जब मुझे देखता है तो कहता है कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज। ठीक है, कल मैं तेरे साथ कॉलेज में आता हूँ, फिर देखता है। कॉलेज में ये सारी बातें कॉमन है, जस्ट काम डाउन। तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो। दिमाग गर्म है और खराब मत करो। अरे इतना गर्म नहीं है, एवरेज है। Hey, cool down. इरिटेशन कम करने के लिए मेडिटेशन काम नहीं आता। पब चलते हैं। चार टकीला मारोगी, मूड चकाचक हो जाएगा। सही कह रही हो। तो चले। Boys and girls, the most awaited live band troupe is here now, only for us. Jim, Justin, and only Jim. पागल कहीं का, उसे शराब दी थी।
उसे लूज मोशन लग जाए, वॉशरूम में पानी ना आए। क्या हो गया? वो गधा यहाँ भी आ गया, कौन आ गया? इसे तो गधा कह रही है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात रोल्स रॉयस चलकर आ रही है। ए, उसकी शक्ल तो खटारे जैसी है। तू तो रहने ही दे, इतना कड़क है कि माचो दिखता है। माचो दिखता है उस माचो की तो मैं। तुम्हारा बीपी हाई है इसीलिए इतने बीप निकाल रही है, या फिर ये मेरी तारीफ में निकल रहा है? ए, कौन है तू? सीएम का दामाद। सीएम का दामाद? कौन सा स्टेट का? यूनाइटेड स्टेट्स का। तू इतने सवाल क्यों कर रहा है? नौकरी चाहिए? रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट ले, तेरा काम हो जाएगा। चल सीएम साहब को सलाम करो। अरे तुम्हारी एवरेज लड़की तो इधर बैठी है, इसीलिए हम इधर आए। तुम्हें मान गए सीएम साहब। देख मैंने फोग घुसाया है। के बाद क्या बाल लग गया फोग? गर्मी को साथ नहीं लाया हूँ। कौन बोली? क्या रे राहुल, इस पब में दूध वूध पीना हो तो मिल जाएगा क्या? चीची इज्जत की बात है, यहाँ से ड्रिंक ही मिलता है। समझा इसको? कट के तलने का। मुझे देख के इरिटेशन चाहिए सलूशन। ऑफ फ्लोर पे something about you got me going crazy, crazy. I'm wondering why I'm dreaming about you, catching feelings. I fall in love, I fall so hard, I need you, baby. If you're looking for my golden heart, then baby, try me. जैसी जुमले मेरी जान, ओ ये दिल के
अब तो दिल से जुड़ भी जा। क्या रे झूठी, उसके नाम से बड़ा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रहा था, यहाँ तो बड़ा एंजॉय कर रही थी। टकीला शॉट्स मार के अपना डांस एंजॉय कर रही थी, उसको नहीं। ओए एटीट्यूड, कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन, मजा आया कि नहीं? जो दूसरों को खुशी दे पता है उनका दिल कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा, इतना बड़ा। ये लड़का हर बार बीच में कहां से आता है? हाँ एक बात और, कॉलेज की मचमच एक तरफ, लेकिन पब का प्यार मिक्स हो जाने का, एकदम कॉकटेल के माफे, नो बीप नो बीपी, ओके ना? जीएम का दामाद शाइनिंग ऑफ। बॉस, लगी तो नहीं ना? फिर ठीक है, गुड नाइट। में भी मौजूद था ना? Yes. ये एक इत्तेफाक है या कुछ और? डिपार्टमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो फिर? तो दोनों चांस मिस कर चुका है। बेटर है यहाँ से निकल ले। निकलूंगा, जरूर निकलूंगा, लेकिन उसके पहले उसके घर में घुसकर उसके सिर में गोली ठोक कर। अचानक से बॉडी के मूवमेंट्स कम हो गए हैं, ऑर्गन्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास एक दवाई है, उसे यूज कर लेना चाहिए। बोलिए प्रदीप मल्होत्रा जी। हाँ जेलर साहब, कैसे हैं? एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बात कर। मिस्टर राव, आई होप यू रिमेम्बर मी। प्रदीप मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली। तुम्हारी बेटी किसी भी दवाई पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर तुम्हारी बात पर रिस्पॉन्ड किया तो चमत्कार हो जाएगा, अदरवाइज शी विल बी नो मोर। कोल्हापुर में अटैक करने वाला और पब में अटैक करने वाला एक ही है।
हमारी टीम ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया, उसका एनकाउंटर करवा दो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल तेरी बेटी और मेरे बेटे की एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट? क्या सर? ये महज सगाई की रस्म नहीं, तेरी नामर्दानगी और नाकाबिलियत का ऐलान है। सच्चा मर्द होता तो मेरी स्टेट में एंटर होता या अपनी जगह किसी और को भेजता। हिम्मत है तो सगाई को रोक के दिखा। मेरी बात सुनाई दे रही है? यहां तेरे इंतजार में पूरी फोर्स खड़ी है। घर की मर्यादा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो तो नहीं लौट सकते। कम से कम घर की मर्यादा तो लौट सकते। मुझ पर भरोसा करें ताई जी, जिस आदमी को मैंने भेजा है वो बास है। वो कम छपटा मारेगा, उड़ान भरेगा, चीर डालेगा, फर्क तक नहीं लगेगी। लौटेगी मर्यादा, लौटेगी। कल सुबह होने से पहले हमारी बेटी हमारे चौखट पे होगी। उसे कहो शिकार पे निकले। लेने आने ही वाला था, इतने में उसका फोन आ गया। किसका? वही अपनी आइटम, सीएम की बरी। ये मजनू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देख लेंगे। चलो। क्या बोले? किसी खोपचे में मुझे अकेले बुला रही थी, मैं गया। जाते ही सीन शुरू हो गया। मुझे देखते ही मुआ 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 पप्पी देती गई, एकदम लिपट गई मुझसे। मुझ जैसी हॉट लड़की को छोड़ के अकेले पब कैसे जा सकते हो ये पूछ रही थी। टल्ली भी हो गए, ऊपर से किसी एवरेज लड़की के साथ वहाँ डांस भी किया। ऐसे आड़े तेड़े सवालों से मेरा पीछा फ्राई कर दिया। अब वो पब वाली लड़की, चल तू ही बता, जवान खून में जोश है, उसे मेरे साथ डांस करने का मन किया तो मैं नाचा। गलत किया क्या यार? उसके दिमाग में इतनी सी बात घुस ही नहीं रही है। Is this the way to talk? ये सुन के मेरा भेजा सटक गया। मैं बोला मुझे एवरेज फिगर वाली लड़की पसंद है, एवरेज फिगर वाली के साथ चक्कर चलाऊंगा, एवरेज फिगर वाली को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। सीधा बोल के इधर आ गया। यानी फाइनल डिसीजन ले लिया? क्यों यार, एवरेज लड़की को पटाऊंगा, कितनी दुआएं देगी मुझे, उसे दिल देना गुनाह है। गुनाह है क्या? तू अभी तेरी बात कर रहा था और तू सामने कैसे? कब से? पूरा सुन लिया। सुन लिया? तुझे मैं रास की बात बताता हूँ। रात को पब में हम दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना, तोड़ू थी। तुम एवरेज थी ना, इसीलिए मुझे फुल मार्क्स मिल रहे थे। सबने कहा मैं कड़क लग रहा, तभी मैंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? मेरे साथ लाइफ बिताएगा? यो अगर इतना श्योर है तो कल मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, वहाँ आना और मेरे डैडी से ये सारी बातें करना, फिर लाइफ का देखते हैं। आओगे ना? क्यों नहीं, लोकेशन भेज देना, ओकेजन पे करेक्ट टाइम पे पहुंच जाऊंगा। जिस स्पीड से ये तेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, तुझे इसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। उनको हाईलाइट करने के लिए मुझे साइडलाइन किया उसने। जब कल घर आएगा और मेरी पावर देखेगा ना, तो उसका एटीट्यूड और एरोगेंस दोनों फ्यूज हो जाएंगे। देख लेना, धमाल करना।
असिस्टेंट हम और भी ग्रैंड कर सकते थे, पर आपने देखो मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है, लेकिन लड़की के घर वालों के बिना अच्छा नहीं लग रहा, और प्रिया को भी बुरा लग रहा होगा ना। आशीर्वाद दीजिए अंकल। अरे 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 उठो बेटा, ये क्या तुम्हारे घर वाले यहाँ नहीं है इसीलिए दुखी हो? दुखी हूँ मैं किस बात के लिए, हम सब है ना मेरे साथ। है बिना श्वेता हरी, तुम लोग इसके माँ बाप जैसे हो, सारी रस्में तुम्हें निभानी। सगाई छोटी ही सही लेकिन शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, पार्लियामेंट से लेके पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। चलो प्रोग्राम शुरू। ए संजय। हाँ भैया। भले ही उसे फंक्शन में नहीं बुला सकता पर उसे दिखाएंगे जरूर, वेब लिंक भेज दो उसे। ऑलरेडी भेज चुका हूँ भैया। क्लासमेट आया है, कह रहा है सीएम का दामाद है। अंदर भेजो, जल्दी से अंदर भेजो। डैडी को देखते ही बोलती बंद हो जाएगी, सारी हेगड़ी निकल जाएगी। एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर की मदद से आपका पूरा शेड्यूल जान चुका था, हमने उसे लाइफ से रिटायर कर दिया। सगाई पर उसे शगुन की थाली नहीं भेज पाया, उसके बदले एक गिफ्ट देंगे। उठाओ बॉडी, अब बॉर्डर के उस पार फेंक दो। इंटेलिजेंस एसपी रघुवीर रिपोर्टिंग सर। आपको सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करना होगा सर। क्यों, क्या इन्फॉर्मेशन कंफर्म है सर? एक बहुत बड़ा क्रिमिनल आपके घर तक पहुंच चुका है। आया था, मारा गया। ये वो आदमी नहीं है सर, जिस गैंगस्टर हटेला को आपने मारा था ये उसका भाई है। एनकाउंटर का बदला लेने के लिए आपकी फैमिली को मारने की फिराक में था, इसलिए आया था। सीएम राठौड़ ने जिसे मारने के लिए आपको भेजा है उसका नाम जेकब है सर। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है, कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जेकब को बुलाओ। जीता जाता हैवान है, ये नहीं खोपड़ी का है वो, यमराज भी उससे कांपता है।
निकलने दे, तेरे शरीर के दो टुकड़े कर दूंगा। देखते हैं कौन किसके टुकड़े करता है। उसने जेकब की खोपड़ी निकालकर सीएम को सदमा दे दिया, तब से वो उसकी नजर में आ गया।
स्टाइल में खड़ा ये कटआउट कल सेलेसर तुड़ के एक्सेलरेटर को रेस जो करे वो कटिंग कल खाना जमा के हम पर है कल बाजी सो लोगों से लगा ये कल डीजे की बजी सो तूने कल फ्लड लाइट में जो लड़ी कुछ कल के चुदा रे कल रात लगा ये कल स्माइल कल दे स्माइल कल दे स्टाइल कल दे स्कूल कल दे कल दे कल दे कल दे कल दे तो उसे दुनिया से उठाया, काट दिया उसे। मेरे घर की औरतों पर बुरी नजर डालेगा तो क्या हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? सन की हूं मैं, मुझे घास खाने वाली बकरी समझ के रखा है क्या? अब पर शेर हूं मैं। तो क्या किसी को भी मारेगा? वो तो तू देख चुका है, तू भी कोशिश कर ले, तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। हाथ में हथियार हो तो इन सबको चीरने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, दिमाग सटका तो उससे भी काम। गांव में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है, खेत में मोटर भी चालू करना है। चल मैटर बोल। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। मुझे दावत देने के लिए तो अपने घर पे नहीं बुलाया ना? चल मुंह खोल। प्रताप, एक दोस्त पर खुद से ज्यादा विश्वास किया और बदले में मेरी पीठ में खंजर मारकर मेरी बेटी को उठा ले गया। उसका सर चाहिए मुझे, उसे मारकर मेरी बेटी को ले आओ। अगर खुद पे इतना ही गुरूर है तो मेरा ये काम कर दो, अपना आधा इलाका तुम्हें दे दूंगा, दिल में बिठा के रखूंगा। तुम पेपर तैयार रखो, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। जानता है वो सीएम है। ये भी तो सीएम ही है ना। इधर आ गया, इतनी जोर से मारूंगा
कि उसका महल पत्तों की तरह बिखर जाएगा, उसकी कुर्सी टूट जाएगी, पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी को उठा लाऊंगा। इसलिए आपको सेफ हाउस जाना ही होगा सर। आने दे उसे। इसकी मौत से फंक्शन की शुरुआत की है, अब फंक्शन खत्म करेंगे उसके दी एंड से। जाके चिल कर दो। सर, मैं आपका पर्सनल ऑफिसर, मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट हिम। ये क्या सर, हवा का रुख बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो यहां पर पहुंच चुका है। अब वो आपकी छाती पर तांडव करेगा। से कुछ बिगड़ने वाला नहीं।
मेरी एंट्री से कोई बचने वाला ना है। छाती पर बैठकर मौत का तांडव कर रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
Bet has a huge choice of casino games. OneXBet, touch the victory. फुटेज चेक करने के बाद उसे डिलीट कर दें। ओके सर। आसानी से वो सीएम की नजर में आ गया और फिर यहां आकर उसने आपकी बेटी को फंसाया ताकि वो आप तक पहुंच जाए। अब आप दोनों की बेटियों को किडनैप करके आप दोनों को वो चैलेंज कर रहा है। आप दोनों सीएम, उस रुद्रराजपुरम गांव और वो लड़का, तीनों का क्या कनेक्शन है? स्टेट मैटर नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। दबा हो जाओ। मैं हार गया राठौर। हम साथ होते तो किसी का बाप नहीं हरा पाता। इतने सालों का राजनीतिक तजुर्बा, इतना बड़ा ओहदा, इतने लोग, इतने हथियार, इतना पावर, कोई उसे रोक नहीं पाया। उससे माफी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाया, परिवार की खातिर उसके पैरों में अपना सिर रखने को तैयार हो गया मैं। पहले मुझे बेवकूफ बनाया उसने, फिर तुम्हारे घर पर थाला बोला। भूल से कोई हमारे पोस्टर को हाथ भी लगा दे तो उसका हाथ काट डालते थे हम। और उसकी इतनी हिम्मत, हमारे सामने हमारी बेटियों को ले गया, उसे छोड़ेंगे नहीं। लंबा सफर तय करके आई है, दोनों थक गई होंगी, इनके खाने का प्रबंध करो। ये दो दो लड़कियों को किडनैप करके लाया है और इसे डांटने की जगह इसका स्वागत कर रहे हैं। ये कोई महान काम करके नहीं आया है, जो गांव के सारे लोग मिलके इतना ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें किडनैप करने को मैंने ही कहा था। अपना पर्सनल काम करवाने के लिए आपने हम दोनों को किडनैप किया। किसी प्रोजेक्ट, पोजीशन, लाइसेंस या टेंडर के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। तो फिर तुम्हें यहाँ लाने की वजह है एक नेक और भले इंसान को न्याय दिलाना। कौन है ये भला इंसान? मेरा परम मित्र, मेरी आत्मा का हिस्सा, और उससे भी ज्यादा हमारा अभिमान, रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। आज का ये दिन इंडियन बिजनेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हियर इज द ग्रेट मोमेंट। आज हर भारत निवासी खुद पे गर्व महसूस कर रहा होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है, द मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। फर्स्ट टाइम एक इंडियन ओरिजिन कंपनी को मिलने जा रहा है। द कंपनी इज नन अदर देन क्राउन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कभी ये कंपनी दूसरे डेवलप्ड कंट्री से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट किया करती थी, लेकिन आज यही कंपनी उन्हीं देशों को उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। और ये मुमकिन हो पाया क्राउन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन द मिरेकल मैन श्री रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। सिर्फ एक रिपोर्टर के नाते नहीं, पर एक इंडियन होने के नाते आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, पर कामयाबी की ऊंचाई तो सिर्फ आप ही छू पाए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल सर? 75 कंट्रीज, 126 ब्रांचेस, 1,47,569 members, including drivers, cleaners and security. ये सब मेरे employees नहीं हैं, मेरे family members हैं, और यही मेरी कामयाबी का राज है।
and I hope it remains this way. Thank you. ये मिसाल है सिंसेरिटी, सिंपलिसिटी और सक्सेस की. पूरे देश के ये चाहते हैं हमारे राम कृष्ण राव. उम्मीद है आपकी चार्टर्ड फ्लाइट काफी कंफर्टेबल रही होगी. कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ गई है. उसे सॉल्व करने के लिए कई सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की कि किससे मदद मांगनी चाहिए, तो एक ही नाम सोचा, प्रदीप मल्होत्रा. इसीलिए हमने आपको दिल्ली से यहां बुलवाया है. 5,00,000 करोड़ ब्लैक मनी आपको वाइट करनी है ना? इतनी बड़ी रकम कन्वर्ट करने में कम से कम लगते हैं 3 साल, पर आप लोगों के पास सिर्फ 6 महीनों का टाइम है बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस. टफ, बट देयर इज अ सॉल्यूशन. और वो क्या है? ही इज योर सॉल्यूशन, रामकृष्ण राव. जब कोई मंदिर में भी दान देता है तो भी लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसकी कंपनी से पैसा आए तो किसी को शक नहीं होगा. खुशकिस्मती से वो आपके स्टेट से उस तक पहुंचना आसान होगा. किसी भी तरह उसे कंट्रोल में लो. इतने सालों में जो आपने ब्लैक मनी कमाया है वो महीनों के अंदर व्हाइट में बदल जाए. ही इज योर बेस्ट ऑप्शन, योर वन एंड ओनली ऑप्शन. गुड आइडिया, हमारा काम हो गया. और आपका वो चार्टर्ड प्लेन मेरी वाइफ को बहुत कंफर्टेबल. मैडम को बोल दीजिएगा प्लेन आपका हुआ. थैंक यू. मिस्टर राव को कॉल लगाओ. उनके सेक्रेटरी ने बोला गांव में दोस्त की बेटी की शादी है, वो वहीं गए हैं. कौन सा गांव? रुद्र राजापुरम. शादी में ना आ पाऊं, पूरी जिंदगी मुझे इनसे सुनना पड़ता. पहली फ्लाइट पकड़ के आ गया अपने पूरे परिवार के साथ. तुम्हारे पापा के परम मित्र, उनकी जान, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा. हमेशा सुखी रहो, ये मेरी बेटी है. नमस्ते अंकल.
और ये होने वाले दामाद। मेरी बहन को तो तुम जानते हो, लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ। क्या यार, तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा? अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं होगा। सिडनी में सेटल है, बहुत कमाता है, बात करने का भी टाइम नहीं है उसके पास। और तुम्हारा? मेरा बेटा तो लंदन में सेट है और बेटी मेरी अमेरिका में डॉक्टर है। इतना पैसा है पूछो मत। और आपका बेटा? कनाडा में सॉफ्टवेयर है, 10 साल से वहाँ बसा है। अरे खुद की कंपनी खोलने वाला है वो, पैसा ही पैसा है उसके पास। मेरा बेटा मलेशिया में, मेरा बेटा रशिया में, मेरी बेटी जर्मनी में। तुम्हारा बेटा क्या करता है? मेरा बेटा वो रहा, उसी से पूछ लो। अरे क्या कर रही हो? सारा झुंड एक साथ? क्या बात है, लुंगी उठा के कहाँ चल दिए मेरे सैया? वैसे शादी मेरी बहन की है, तो सच दच के तुम सब क्यों घूम रही हो? तुम्हारे लिए जानू, सबके सब रेडी है, एक साथ फेरे लेंगे सब। सबके सब? क्या चल रहा है, सब लोग मिलकर इसे परेशान क्यों कर रही हो? घर वालों को कहो लड़का ढूंढने के लिए। टॉर्च लेके घूमेंगे तभी ऐसा चिकना स्टाइलिश लड़का कहाँ मिलने वाला है। घर में हो हलवा तो बाहर भी किसे परवा, मुश्किल से हाथ में आया, अब चाहिए ना। ओ, लगे ना। मुझसे शादी कर लो, मेरी मोरनी जैसी आंखों में डूब जाओ और प्यार की गोते लगाओ, मिल फिर से लगाएंगे, करोगे ना शादी? जानू, ऐसे घने लंबे बालों वाली लड़की से शादी कर लो, लाइफ भी एकदम हरी भरी हो जाएगी तुम्हारी। हरियाली तो यहाँ है, मेरी पतली कमर पे बिठा के तुझे पूरे गांव में घुमाऊंगी मैं। मुझे मटका समझा? पागल हो गई क्या शोना? मेरे जैसी हट्टी कट्टी से शादी कर ले, लड़की तो छोड़ो, किसी लड़के ने भी आंख उठा के देखा ना तो खाम खा मरेगा वो। इतना घुमाऊंगी उसे कि दिन में तारे नजर आएंगे उसे। बेबी, मेरी भी डिग्री अभी अभी खत्म हुई है, मैं भी ऐसी डिग्री चिपकाऊंगा ना, अंडे से निकली नहीं की। अच्छा सुनो, तुम सब में कोई खास बात है, लेकिन जिस लड़की में ये सारी खास बातें होंगी उसी से शादी करूंगा। मतलब तुम्हें हम पसंद नहीं है? किसने कहा पसंद नहीं है? तुम सब इस गांव की राजकुमारियां हो, इस पूरे राज्य की शान हो। एक्चुअली तुम्हारे होने से ही उत्सव है, पहले मेरी बहन के फेरे हो जाए, उसके बाद हमारी शादी का प्लान बनाता है कुछ। तुम्हारे बेटे को देख के अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जब आखिरी बार देखा था तब इतना सा था वो। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, फेल होकर आ गए। अपना फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाया। ओ, पापा आपने बुलाया? हाँ, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? ये मेरे दोस्त हैं रामकृष्ण राव। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, सर को कई बार टीवी पे देखा मैंने। अगली बार मुझे सर का आना तो सीधा मुंबई चला जाऊंगा। ओके अंकल, बहुत तेज है तेरा बेटा। ए, क्या हुआ चाचा? तेरी अंग्रेजी की पूरी बोतल पी ली, पेट भर गया पर चढ़ी नहीं यार। अपने ठेके की इतनी सी भी पी लू ना
झूम 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 सारा दिन झूमता ही रहता हूँ, अंदर से गाना निकलता है। झुमरी तो नहीं आप टेंशन मत लो चाचा, मैं देसी का बॉक्स दिलाता हूँ। अमृता तैयार हो गई है, आप सब आ जाइए। टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का। ओह, वो तो आपकी कंपनी है ना? और वो मेरी बेटी है, इसलिए बता रही। प्यारी प्यारी लग रही हो, साक्षात लक्ष्मी। बेटा इससे मिलो, अंकल का बेटा। ओह, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुकी? नहीं तो क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो? सवाल ही नहीं। कुछ देर पहले तुम्हें देख रहा था, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। क्यों पिटवा रहे हो अंकल? मैंने भी सुना इस गांव का मोस्ट हैपनिंग बैचलर, सारी लड़कियां साहब की दीवानी है। और क्यों नहीं होंगी, लड़कियों की इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी फ्लैट हो जाएगी। तुम हो गए क्या? हाँ, तुम्हारी भी तारीफ की, तुम्हारा दिल धड़का क्या? एक्चुअली लड़कियां तारीफ से नहीं पड़ती, उनका दिल जीतना पड़ता है, उनका दिल बहुत नाजुक होता है। ऑफकोर्स तुम्हें तो ये पता ही होगा, है ना? कुछ बात इसमें कुछ ज्यादा ही थे सर। एक मिनट यार, सनम बहुत सालों के बाद ये यहाँ आया है, वो भी फैमिली के साथ। ऐसा कुछ करो कि उनका हर पल यादगार बन जाए, उनका ये सफर सुनहरी याद बन जाना चाहिए। जाओ, उनका ख्याल रखो। I'm not.
इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम चुप रहो, ये सब ले जाकर आगे वाली गाड़ी में रखो, संभाल कर आगे ले जाओ चलो, और उसमें लड्डू है संभाल कर। इस सब की क्या जरूरत है भैया, अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, दोस्त को नहीं। बेटी से तो कभी भी मिल सकता हूँ, पर मेरा ये दोस्त कई सालों बाद मिला है, मैं जाने फिर कब मुलाकात हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ इसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। यार काम के चक्कर में मैं ये खुशियां भूल चुका था जो तूने मुझे दी। मुझसे एक वादा कर। बोलना। जब मेरे बच्चों की शादी होगी उनकी सारी रस्में तू निभाएगा। मेरे पास मेरा बेटा है, वो साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो तुम्हारे हनीमून के टिकट्स, सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। शुक्रिया सर। और ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? फ्रांस में हमारा एक गेस्ट हाउस है, रुकने के लिए सारे इंतजाम है वहाँ। तुम अपने पूरे परिवार को लेकर जाओ और छुट्टी लेकर वहाँ थोड़ा आराम करो। इस सब की क्या जरूरत? बेटी ने सब कुछ अरेंज किया है, इसी से बात करो। मान जाओ प्लीज। बेटा तुम तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, तो फिर वेलू ने का नाटक क्यों किया? कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पिछले साल एथिकल हैकिंग का टॉपर है। तुम उस वक्त स्टूडेंट थे, फिर भी एक बड़ी कंपनी के फायरवॉल क्रैक करके हैक किया। उस कंपनी के सीईओ ने तुम्हें हाईएस्ट पैकेज ऑफ द डेकेड ऑफर किया, पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस लिए? अगर मैं भी चला गया तो मेरे माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे, बहन तो विदा होकर जा ही रही है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़े। घर में चाहे कितने भी नौकर मौजूद हो, एक बेटे से बेहतर माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं, अकेले ही दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे, पर बच्चों को भनक भी नहीं लगने देंगे। इसीलिए मैंने वो झूठ कहा था ताकि अपने पापा का सहारा बन सकूं। जब बचपन में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था तब पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब उनकी उम्र होगी और उन्हें सहारा चाहिए होगा तब मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी ना बनूं। परिवार के साथ रहना था ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो, यही मेरा कर्तव्य है। पर तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। जब घर से निकलता हूं और पापा का हाथ कंधों पर होता है, आप ही बताइए वो खुशी किसी मेडल या करोड़ों के चेक में मिल सकती है किसी को? वो खुशी बड़ी ही अनमोल होती है अंकल। अब देखिए ना, आपने पापा से शादी की रस्में निभाने का वादा करवाया और पापा ने कहा मेरा बेटा संभाल लेगा, और क्या चाहिए लाइफ में? और कुछ नहीं चाहिए अंकल, इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है? लोग पत्थर में बसे भगवान को पूछते हैं लेकिन भगवान के रूप में मिले मां बाप को भूल जाते हैं, क्या ये सही है अंकल? ऐसा क्या है, ये मेरी आत्मा है, रोज इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता, यही मेरा पैकेज है और यही मेरी टॉप पोजीशन। जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे, सबके हालात अलग होते हैं। मैं लकी हूं मुझे ये मौका मिला। बहुत से पेरेंट्स इस बात से खुश होते हैं कि उनके बच्चे करियर में कामयाब हों,
लेकिन पहली बार एक बेटा देख रहा हो जो अपने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। No words. जिंदगी का एक नया सबक सिखाया तुमने मुझे। से मिलना चाह रहे थे ना। हमने सुना था आप अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में गए हुए थे। मुझे लगा सिर्फ आप यहां मिलेंगे, सर भी होंगे, मैंने सोचा नहीं था। हम दोनों का एक ही काम था, इसलिए हमने आपको यही बुला लिया। बाय द वे, ये है मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा, मेरे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझसे कोई खास काम? आप तो अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों पिछले 10 सालों से अपने अपने राज्य चला रहे हैं। जनता की सेवा करते करते कभी कभी थोड़ा बहुत मेवा हम भी चख लेते हैं। एक पॉलिटिशियन का करियर जहाज जैसा होता है जो कभी भी डूब सकता है। जब तक पावर में है फ्यूचर सिक्योर कर लेना चाहिए। हाँ, पर ये मुझे क्यों बता रहे हैं? I come to the point. हम दोनों के पास जो ब्लैक मनी है आपकी कंपनी के स्टैम्प से व्हाइट मनी में बदलना चाहते हैं। 75 कंट्रीज में आपकी कंपनी फैली हुई है और बहुत सारे एनजीओस भी हैं। आपके लिए तो बहुत मामूली काम है। बस मनी वाइट कर दीजिए। दोनों स्टेट्स के मैप में जिस भी चीज पे आप उंगली रखोगे, समझो मिनटों में वो चीज आपकी हो गई। फिर वो कहीं का शहर हो या कहीं का कोई किला या किसी की जान बेचारी हो तो। और जो भी टेक्निकलिटीज होंगी वो मैं देखूंगा। सीएम सर, मेरी कंपनी में हवा भी आती है ना, उसके लिए भी मैंने पूरी बिल्डिंग में फिल्टर्स लगा कर रखे हुए हैं। और आप चाहते हैं आपके गंदे कचरे को अंदर आने दूं? हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट? कचरा? सॉरी सर, आई कैन नॉट हेल्प यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक बार फिर से सोच लो, एक बार हाथ मिला लिया तो राज्यसभा की सीट पक्की। सर, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मैं किसी पार्टी के झंडे में नहीं बल्कि तिरंगे में लिपटा होना चाहूंगा। ज्यादा बोल रहा है तू, भूल गया कि तू इस वक्त दो सीएम के सामने बैठा है। मैं पीएम सर को जानता हूं, 2 मिनट में मीटिंग फिक्स कर सकता हूं। एक्चुअली बात यह है कि प्लीज एक अर्जेंट मीटिंग चलाओ। उसके पास देश के बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट ऑडिटर्स हैं, जो उसकी कंपनी को हर एंगल से प्रोटेक्ट करते हैं। 2 मिनट में पीएम तक पहुंच सकता है, आप दोनों के ये स्टेट डिपार्टमेंट्स उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? तो आप क्या करना है? उसके ऑफिस या प्रॉपर्टी को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके आत्मसम्मान पर वार करो, आई मीन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। कैसे? प्रोसीजर आपके मोबाइल पर भेज दिया, उसे एज इट इज फॉलो करो, फिर देखते हैं पीएम उसका फोन कैसे उठाते। आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन दिव्या। सर ये क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर ऑफिस में ड्रग्स कहां से आए बता? सर ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस को सीज कर दो। ग्राउंड टेक्नोलॉजीज में आज पुलिस ने सरप्राइज रेड मारी है। रेड के दौरान ऑफिस से भारी तादाद में ड्रग्स मिले हैं। सभी ब्रांचेस के ऑफिसेज सील कर दिए गए हैं और सारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट करके नारकोटिक्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रामकृष्ण राव की कंपनी में ड्रग्स मिलने के बाद पूरा देश स्तब्ध है और पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सर 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 वो हमारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर रहे हैं सर।
ये सब क्या हो रहा है? सर, इसमें जरूर किसी की चाल है। डैडी, सॉरी सर, आपको हाउस अरेस्ट करने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर्स, सीज द फोन्स। लेट मी टॉक टू डीजी सर। ये ऑर्डर्स डीजी सर ने ही दिए। लेट मी टॉक टू माय लॉयर। सॉरी मैडम, यू आर नॉट अलाउड। पासपोर्ट्स प्लीज। सीज द हाउस। तो दिल्ली वाले साहब, इतना काफी है? खेल को और मजेदार बनाते हैं। जैसे सब सोचते हैं, वो मिरेकल मैन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाके बिजनेस मीटिंग्स के नाम पे हमें हैरेस करता था। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ हमें सुलाता था ताकि उनसे प्रोजेक्ट्स मिल सके। इतना गिरा हुआ था वो। हम गरीब घर की लड़की है, बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे ताकि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। उसने हमें जीते जी मार दिया, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। ये था मिस्टर राव का असली चेहरा। दुनिया के सामने उसे नंगा कर दिया, अब तो खुश ना? हमारे कहने पर जिन लड़कियों ने स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनकी जरूरत है क्या? रामकृष्णा के वफादार एम्प्लॉइज सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स और सीबीआई इन सब के पास जाने की बात करने लगे। जिस स्पीड से ये सारे डिपार्टमेंट ने हम पर एक्शन लिए हैं, दिस इज कंप्लीटली अ प्लान्ड एक्टिविटी। हम सबको इस झूठे केस में फंसने से बचना है। वी नीड टू रेज अ कॉर्पोरेट सोशल वॉर। इसे चुप करवाना होगा और उन सब लड़कियों को भी। शट देम अप। आई एम लेट। बाय द वे, उस रामकृष्ण राव को राज्यसभा की सीट दिलवाने की कुछ बात कर रहे थे ना? मेरी वाइफ को सिर्फ प्लेन्स में नहीं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में मुझे इंटरेस्ट है। जब उसका मूड अच्छा रहेगा तो मैं भी शांति से काम कर पाऊंगा। मैडम को बोल देना सीट मिल जाएगी। 24 घंटे हैं आपके पास। बाप का मास समझाए क्या? कूल रहो ना। हमारा काम ये करा या फिर इसकी बीवी करा है? मेरी बीवी को चार्टर्ड प्लेन पसंद है, मेरी बीवी को पॉलिटिक्स पसंद है। कल को उसे तुम या मैं पसंद आ गए तो साड़ी का पल्लू पकड़ के ढूंढना पड़ेगा। जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, हाँ मैं हाँ करते रहो। सबसे पहले उन लड़कियों का और उन एम्प्लॉयज का कुछ करना होगा। उससे पहले उसकी बीवी और कुछ ना मांग ले, इसका कुछ करना। आपने जो काम ने वही किया सर। हमने एक नेक इंसान के चरित्र पर कीचड़ उछाला है सर। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने पर लोग धमकी देते हैं, लेकिन मैं जान ले लेता हूं। ये सब क्या हुआ सर? कंपनी के सीक्रेट्स लोगों के सामने आ गए तो रामकृष्ण ने सबको मरवा दिया। हाँ, तो राव साहब के कहने पे सबको ठोक दिया, तो क्या उखाड़ लोगे? Why? उन्होंने कन्फेस कर लिया है कि मिस्टर राव के कहने पर मर्डर किए गए हैं। इनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आपकी बेटी अपने वकीलों की मदद से हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। पब्लिक गुस्से में और कभी भी अंदर आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है। सरेंडर कर दीजिए सर। ये क्यों सरेंडर करेंगे? भरोसा रखिए मैडम, बहुत शरीफ इंसान है। इनकी सुरक्षा मेरे कंधों पर है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप डैडी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। बेटा, मैं जल्दी लौटाऊंगा। आज हजारों परिवार मुझ पर निर्भर है। अब सब कुछ तुम्हें संभालना है, थोड़ा सावधान रहना। क्लियर करो। मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलता कुत्ता है।
करने आई तो उनके ऊपर हाथ उठाता है? क्या सोचा था तुमने? पब्लिक तेरा नंगा नाच चुपचाप देखती रहेगी? उन लड़कियों को हमने सीने से लगा रखा था, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्यों हमारी खुशियाँ छीन ली? तुम्हारी भी तो लड़की है, क्या उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक करते? हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। कंपनी पर है, इतनी जल्दी कोई भी गलत कदम उठाया तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी और उसके बाद सीज भी हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी लीगल टीम कोई अपील करे, ये सारे गुनाह रामकृष्ण को कोर्ट में कबूल करने होंगे, डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करना होगा और तब तक उसे उम्र कैद की सजा मिल जानी चाहिए। और उसके बाद कंपनी के सारे साइनिंग पावर्स उसकी बेटी के पास होंगे, उसे अपने कंट्रोल में लाना होगा। हम जहां कहें उसे साइन करना पड़ेगा, सारे दरवाजे खुल जाएंगे और फिर शुरू होगा आपका का मेरा का। कमीने, और कितने जुर्म करेगा? चल साइन कर इस पे। ऑफिस में तो तू 1000 साइन करता होगा, एक साइन और कर देगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मैं मेरा कोई हाथ नहीं है। भाई को कोई आदमी पसंद नहीं आता तो उसका सिर कटवा देता है, तू लकी है, तेरा सिर्फ साइन ही चाहिए उनको। चल साइन कर। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। अच्छा, साइन नहीं करेगा? साइन तो तेरा बाप भी करेगा। नेशनल फ्लैग में लिपटना है, अब तेरी लाश कचरे में मिलेगी। साइन लेने के लिए ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर कोर्ट में तूने गलती से भी मुंह खोला ना, या किसी के सामने भी मुंह खोला, तो अपनी बेटी को खो बैठेगा।
जान ले लूंगा उसे। करने पर ये हार करोगे, पत्थरों से मारोगे, एक बाप के सामने उसकी बेटी को लहूलुहान करोगे, गायब कर दोगे उसे, एक इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाओगे। मेरी बेटी को खुशहाली का आशीर्वाद देकर गया था वो, और वो खुश है, और उसकी बेटी को मैंने आशीर्वाद दिया था कि वो खुश रहे, पर क्या वो खुश है? क्या वो खुश है? जवाब दो। इसीलिए मेरा दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मेरे बेटे ने ये जंग शुरू किया है। तुम दोनों के बाप यहाँ आएंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे, मेरे दोस्त की बेगुनाही साबित करेंगे। मेरा बेटा अगर चाहता तो तुम्हें कॉलेज या पब से यूं अगवा कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप को यह एहसास कराना था कि एक मासूम बेटी का बिछड़ना क्या होता है, इसीलिए उसकी आंखों के सामने अगवा किया। और अगर आपकी बेटी को कुछ हो जाता तो? हो भी जाता तो मुझे कोई अफसोस ना होता, उस पर फक्र होता मुझे। I am proud of my son। आपके वादे के मान के लिए, पूरे गांव के सम्मान के लिए, एक माँ के लिए वचन के लिए, जेल की दीवारों के पीछे कई सच्चाई को सामने लाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई है, इसीलिए I am proud of my son। I am proud of my son। I am proud of my son। पापा ने बहुत गलत किया, आपके साथ सिर्फ आपका बेटा खड़ा है और उनके पास दो दो स्टेट की पावर है, कैसे लड़ेंगे आप लोग? गलती हो गई आपसे, रामकृष्ण की बेटी को कोमा में पहुंचाना बहुत बड़ी गलती थी, अपने बच्चों के चक्कर में आकर आपस में दुश्मनी कर बैठे और अपने दुश्मनों को इस बात का फायदा उठाने का मौका दिया। रामकृष्ण की बेटी कोमा से निकलकर उन पेपर्स पर साइन करें, उससे पहले अगर उसने तुम्हारी बेटियों का सारा लेकर इस केस में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज कर दिया तो यू बोथ आर फिनिश्ड। फिनिश्ड? और अब तक तुमने जो देखा वो छोटी सी झलक थी, अब तुम लोग हमारा असली रूप देखोगे। अब हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। राजपुरम से आए इसलिए यहां लेकर आए। तुम जा सकते हो। ओके सर। नमस्कार सर, मैं मणिकांत राव हूं, आपकी बेटियों को अगवा करने वाला मेरा ही बेटा है। आचार की बर्नियों को यहां रख दो। ये सब क्या है? ये खोपरे का आचार है, इसमें चिकन का अचार है और इसमें बकरे का है, क्योंकि दुश्मन के घर भी अगर जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, परंपरा है। यहां किस लिए आए हो? इस महीने की 31 तारीख को हमारे गांव में रामनवमी का बड़ा उत्सव है, जिसे इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मेरे परम मित्र रामकृष्ण राव पूजा में बैठने वाले हैं। आपको देखना है कि फांसी के फंदे की बजाय वो हमारे गांव में पूजा पर आए, उनका वो गौरव और सम्मान जो आप लोगों ने छीन लिया है उसे वापस लौटाने का ये अच्छा मौका है। गांव में रामनवमी का उत्सव मनाना है, अगर वही जगह शमशान बन जाए तो? अरे हाँ, गांव के उत्तर में जो नारियल के बड़े बड़े खेत है वही आपने अपनी क्रिमिनल फोर्स भेजी है ना? दक्षिण में जहां बड़े बड़े गोदाम बने हैं
वही आपने कमांडोज के बीच में खतरनाक गुंडे भेजे हैं ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जेल से खतरनाक कैदियों को रिहा करके पुलिस के भेस में उन्हें गांव के सेंटर में भेज दिया है ना? आप इन्हीं की बात कर रहे थे ना? मेरे भेजे हुए आदमी तुम्हारे गांव में कदम रखते ही तुम्हारा गांव तो होगा पर उसमें कोई जिंदा नहीं होगा। बहुत आसानी से वो खेतों से चलकर आ सकते हैं। गोडाउन पार करना भी उनके लिए आसान है। किसी भी दिशा से वो गांव में आ ही सकते हैं। लेकिन एक जगह उन्हें रुकावट होगी। और वो क्या है? मेरा बेटा। लाइव एनकाउंटर देखने का बहुत शौक है ना तुमको? बहुत का तांडव देखने में मजा आता है ना? देखो लाइव टेलीकास्ट। उसके फैमिली को हम देख लेंगे।
कहना है। किसी नेक इंसान की जिंदगी बर्बाद करना तेरे लिए आसान होगा, पर मेरे गांव में आके मुझे ललकारना नहीं। वो तुम्हारे घर आया और तुम उसे छू भी नहीं पाए तो उसके गांव में घुसकर तुम उसका क्या उखाड़ लोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। मेरे दोस्त को 22 गांव लाना होगा, वो भी 31 तारीख को। नहीं लाया तो क्या कर लोगे तुम? हम सिर्फ चिकन और मटन का अचार नहीं बनाते, जरूरत पड़ने पर दुश्मन का भी बना देते हैं। बात समझ में आई? तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। छू नहीं पाया वहां बेटी क्या कर लेगी? चल चुपचाप बैठ जा। क्या हुआ? इतने अच्छे गांव में मुझे लाए, इतने सुंदर घर में ठहराए, इतना अच्छा खाना है, इतने अच्छे लोग, सब कुछ कितना अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है? लोगों को मारती क्यों फिर रही हो? इतना काफी नहीं है ना। क्या कहा? बोर हो रही हूँ मैं। बोर हो रहा है? बॉडी को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है ना। एंटरटेनमेंट चाहिए, किस तरह का? म्यूजिक, लेकिन एवरेज वाला नहीं। साउंड में बीट चाहिए, बॉडी में स्विंग चाहिए, नजर में नशा चाहिए, टच में मजा चाहिए और मेरे साथ तू चाहिए। ऐसा डांस कि बॉलीवुड हिल जाए। कर पाएगा तू? हाँ, लगा पाएगा मेरे जैसा ठुमका? तुझे देखना। तेरा दीवाना हो गया।
बेटी की सुरक्षा के लिए आपने अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन अब वो सुरक्षित है सर। मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक फरिश्ता हैं और अपने फरिश्तों को बचाने के लिए ईश्वर आता है सर। आज भगवान इंसान का अवतार लेकर धरती पर उतरे, अब तो साइन कर दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को रीओपन करने के लिए अप्लाई किया है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने रामकृष्ण राव की बेटी को टॉर्चर किया ताकि वो अपने सारे गुनाह कबूल करे, पर अब उसकी बेटी मिसिंग है और इन सब के पीछे का आपका मास्टरमाइंड प्रदीप मल्होत्रा भी दिल्ली में किडनैप हो चुका है। रामकृष्ण की सारी लीगल टीम अब पूरे जोश में है सर। कृष्ण ने अगर बोलना शुरू किया ना तो सिर्फ कोर्ट में नहीं सर, पूरे पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच जाएगी। अब क्या करें? सरेंडर। सीता की विवाह की तैयारी करेंगे। मुहूर्त का समय हो गया है, पूजा में बैठने वाले दंपति जल्दी से तैयार हो जाएं। खुशियों में शामिल होने नहीं आए। कल अगर इसने होशियारी करके कोर्ट में अपना मुंह खोला तो उसका क्या हश्र होगा ये दिखाने यहां आए हैं। तू भी देख ले इसका अंजाम क्या होगा। और तुझे लगता है तुम उनके विवाह को रोक देगा? हो ही नहीं सकता, उनके आशीर्वाद से ये काम पूरा होकर रहेगा। मेरा दोस्त ही करेगा।
जिसके साथ राम है वो हारेगा नहीं। Come on.
फसाद की जड़ वही है। मैं जाके उन्हें खत्म करो। मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तुम्हारे किए पापों का और मेरे गुस्से का गहरा कनेक्शन है। वो मेरी जान थी, मेरा प्यार, मेरी परिणीता। वो शादी के लिए इस गांव में आई थी जहां वो एक दोस्त से मिली। मुझे कहा मुझे भी मिलवाएगी, सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन उसके पिता को जेल होने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो गई। उसे ढूंढा, पता चला तुम दोनों ने मिलकर उसे गायब किया। जिसने उसे छुआ उसे काट दिया। तेरी जिंदगी में हमदर्द बन के आया और तेरी जिंदगी में मददगार बन के। लेकिन तब तक मेरा बंदा पहली चाल चल चुका था। परिणीता को ढूंढने के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था जो दिल्ली में बैठा था और इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा। ये पता चलते ही मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, उस मास्टरमाइंड को उड़ाया और मेरी परिणीता को छुड़ाया। जानते हो होश में आते ही उसने सबसे पहले क्या कहा? मैं इधर आया, मैंने अपना गेम खेला, तुम्हें अपने पैरों में गिराया। मैं उसके साथ खड़ा था उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था उसके बाप को दिए एक वचन के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक नेक इंसान को इंसाफ दिलाना चाहता था वो। सीएम तो बन गए पर अपना फर्ज भूल गए। वो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। हमें छोड़ दो, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। माफी उनसे मांगो। क्या कुछ न्यौछावर नहीं करते, अपना वक्त देते हैं, अपनी खुशियां देते हैं, पर कोई जान कुर्बान करेगा जैसे इन्होंने किए? अपने पिता की जुबान रखने के लिए ये भी अपनी जान पर खेला। कर्ज की बात करें तो हम सब इसके कर्जदार हैं, है कि नहीं? क्यों परी, अब बोल, खुश तो है ना?
कृष्ण राव बेगुनाह है। इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर आपको इस तरह की घिनौनी हरकत करते हो? शटअप, बेटा। कौन हो तुम? मोरक्को देश, दुनिया का क्राइम कैपिटल, खूंखार डॉन डैनियल के बारे में सुना होगा। 30 साल से राज कर रहा है, 3 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं, 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? इसने उसे भी मार दिया सर। बिट्टू बिट्टू बॉडी मतम रेडू चिली सॉल्ट ए चुट्टू चुट्टू कमे सुंदी पोगरे डिफॉल्ट ए बिट्टू कुंडे उड़ी पोदी प्रति नटू बोल्ट ए कुट्टी सुडु एटुंटा तो कंडलो रिवोल्ट मिल पड़ते कल्ट ने कॉलर इला जगरे ते कल्ट।